अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा पास्ता, इसे हम कहेंगे रेड सॉस पास्ता, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। होममेड सॉस से बनाऊंगी, बाहर का सॉस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बहुत कम वक्त में, तकरीबन आधे घंटे में बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होती है। आप लोगों ने एक ना एक बार ये ज़रूर ट्राई करनी है। सबसे पहले चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमें लेना होगा एक पैन जिसमें हम पास्ते को बॉईल करेंगे। यहाँ पर एक जग के करीब मैंने पानी ले लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर हाफ़ पैकेट जो है पास्ता बॉईल कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से उसका मिकदार रख सकती हैं, जितना पास्ता आप लेना चाहें। मैंने जो है हाफ़ पैकेट लिया है। अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच, ठीक है। अब इसमें दो चम्मच डालूँगी ऑयल, ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। अब इसे करेंगे बॉईल, अच्छे से 20 मिनट तक बॉईल करें, या तब तक बॉईल करें जब तक कि पास्ता आपका अच्छे से गल ना जाए। 20 मिनट बाद मेरा पास्ता तो अच्छे से गल चुका है। पास्ता बॉईल करने का प्रोसेस सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि कुछ लोग बिगनर्स होते हैं, उन्हें पास्ता सही से बॉईल करना नहीं आता, उनका चिपक जाता है, टूट जाता है या कच्चा रह जाता है। पास्ता हो चुका है तैयार। अब एक खुले मुँह की जो छन्नी होती है उसमें आपने इसको अच्छे से छान लेना है, और इसे छानने के लिए रख देना है ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए। हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 4 बड़े चम्मच के करीब ऑयल। खाने वाले चम्मच जो होता है वो वाला हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने डाला है आधा चम्मच। इसे कर लेते हैं हम यहाँ पर पहले ब्राउन, ताकि इसके अंदर की स्मेल और जो कचैन होती है वो निकल जाए। जैसे ही आपका लहसुन अदरक का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए और ये हो जाए आपका डार्क ब्राउन, तो आपने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है चिकन। हम इसमें किसी भी किस्म की कोई भी वेजिटेबल्स नहीं डाल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टमाटर से बनता है, बहुत यमी पास्ता बनता है। चिकन बोनलेस लिया है, तकरीबन मैंने पाव के करीब चिकन ले लिया है, और इसे मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया था। अब चिकन को फ्राई कर लें मीडियम फ्लेम पर। आँच का खास ख्याल रखिएगा, चिकन ऊपर से जल सकता है, तो आँच आपने मीडियम रखनी है। यहाँ पर चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, फ्राई होते होते ये कलर चेंज करता है और बोटियों की शेप छोटी होना शुरू हो जाती है। काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो जाता है कि ये पक चुका है। नमक डाल दिया है आधा चम्मच, आधा खाने का चम्मच जो होता है वो डाला है इसमें। अब यहाँ डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई डालनी है, पाउडर नहीं डालना है मिर्चों का, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे ताकि वो नज़र आएँ, क्योंकि ये वाली मिर्चें नज़र आती हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काले मिर्चें, तकरीबन आधा चम्मच के करीब इसमें छिड़क लेते हैं। मसालों की मिकदार भी इसमें बहुत कम होती है, यानी कि एक्स्ट्रा कोई भी स्पाइस हम ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने नहीं ऐड करना, आप अपने मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस डाल लेते हैं सबसे पहले, तकरीबन 2 चम्मच के करीब, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके अलावा डाल लेते हैं यहाँ पर हम विनेगर, यानी कि सिरका। सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, दोनों का सेम टेस्ट आता है। अगर लेमन जूस लें तो एक लेमन ले लें, उसमें जितना भी जूस निकलता है वो डाल लें। यहाँ पर डाल रहे हैं हम चिली सॉस। चिली सॉस तकरीबन डाला है मैंने 1/4 कप के करीब, क्योंकि चिली सॉस से चिली पास्ता बना रहे हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट, जो कि 3 मीडियम साइज़ के बड़े टमाटर थे, उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड किया है। 1 कप के करीब उसका पेस्ट बन गया था, वो डाल दिया है। यही मेन इन्ग्रीडियंट है जो आपके पास्ते में कलर लाएगा और फ्लेवर लाएगा, तो आपने इसको स्किप नहीं करना है। अच्छे से खौलाएं ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए, इसके अंदर का जो है सारा बेनिफिट जो है सारा का सारा चिकन में आ जाए, और हम इन दोनों के टेस्ट को सेम कर सकें। तो आपने उसके बाद डाल लेना है बॉईल किया हुआ पास्ता। ये देखिए पास्ता कितना अच्छा बॉईल हुआ है, ना तो ये जुड़ रहा है ना टूट रहा है, और इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने इसमें बॉईल पास्ता डाल लेना है। पास्ता आप किसी भी शेप का ले सकती हैं, यही सेम प्रोसेस करेंगी। अगर आप चाहें तो मैक्रोनी के साथ भी सेम प्रोसेस से बना सकती हैं, सेम टेस्ट आएगा, बहुत यमी टेस्ट आएगा। बहुत कम वक्त में आप बनाएं और इसे एज अ स्टार्टर सर्व करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत कम इन्ग्रीडियंट से बनी है। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हमारा सॉस और पास्ता अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर रेसिपी हो चुकी है तैयार। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बाद छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरी सारी वीडियोज़ को इन्जॉय कर सकें। लीजिए यमी पास्ता तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।